तो इस एपिसोड में हम देखते हैं फेंजिंग योन सॉन्ग से मिलती है और वो कहता है इतनी भी क्या जल्दी थी उसे रिजेक्ट करने की, वो रात तक का तो वेट कर ही सकती थी। फेंजिंग का कहना है उसके पास कोई ऑप्शन ही कहा था सिवाय हाँ बोलने का, और वो पहली बार किसी को डेट करने जा रही है, उसे नहीं पता क्या करना है और क्या नहीं, और ना ही उसे कुछ समझ आ रहा है। लेकिन उसकी एक रिक्वेस्ट है, क्या वो अपनी रिलेशनशिप सीक्रेट रख सकते हैं, क्योंकि अगर उसके कलीग्स और पेरेंट्स को पता चला तो तमाशा बन जाएगा, लोग बातें बनाएंगे, और वो अपने पेरेंट्स को परेशान नहीं कर सकती है, और वो तो उसकी लाइफ में एक और माइलस्टोन साबित होगी, तो एक टेम्पररी रिलेशनशिप के लिए इतना सफर क्यों करना। उसकी फ्रेंड और उसके भाई ने भी कॉलेज टाइम में सीक्रेटली डेट किया था और उसे तब पता चला जब उन दोनों का ब्रेकअप हो गया, और अगर वो भी इस तरह से रह सकते हैं तो ये काफी इंटरेस्टिंग है। अब ये सब सुनकर योन सॉन्ग बहुत हर्ट होता है और उसे देखता रह जाता है और बोलता है वो साथ हैं, ये किसी को पता नहीं चलेगा, और अगर उनका ब्रेकअप भी हो जाता है तो उनके अलावा कोई और नहीं जानेगा। इसे सीक्रेट नहीं अफेयर बोलते हैं और उसे ऐसी रिलेशनशिप नहीं चाहिए, और ये कहकर वो नाराज होकर वहाँ से चला जाता है। रात में फेंजिंग मिस्टर लूमिंग को मैसेज करके ये बात बताती है कि कुछ भी प्लान के अकॉर्डिंग नहीं हुआ। मिस्टर लूमिंग ये जानकर बहुत खुश होते हैं क्योंकि वो भी यही चाहते थे, और खुशी से नाचने लगते हैं। कैमिन उन्हें वियर डांस करते हुए देखती है और वो भी उनके साथ डांस करने लगती है। फेंजिंग को अब रिग्रेट होता है और वो योन सॉन्ग को मैसेज करना चाहती है लेकिन नहीं करती है, और उसे नींद नहीं आती है इसलिए वो हॉल में पानी पीने जाती है। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और वो अपनी मदर से पूछती है इमेजिन उसे कोई डेट करना चाहता है लेकिन उन्हें किसी वजह से उनका रिलेशनशिप छुपाना पड़ रहा है, तो इस पर उनका क्या ओपिनियन है। उसकी मदर उस पर बरस पड़ती है और उन्हें लगता है उसके ब्लाइंड डेट ने ये बात बोली है और इसलिए फेंजिंग इतनी परेशान थी। वो गुस्सा होती है और कहती है क्या उसे नहीं लगता सीक्रेट रखना मतलब मिस्ट्रेस रखने जैसा ही है, और वो इंसान रिस्पॉन्सिबल नहीं है। खैर वो बस अपनी बेटी को खुश देखना चाहती हैं, वो नहीं चाहती है कि प्रेशर में आकर वो कोई गलत डिसीजन ले ले, और अगर उसे कोई राइट पर्सन नहीं मिला तो वो कभी शादी ना करे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसके पेरेंट्स हमेशा उसके साथ रहेंगे, उसे ब्लेम नहीं करेंगे, लेकिन वो कभी नहीं चाहेंगे वो ऐसी रिलेशनशिप में रहे। अगले दिन कंपनी में चेंग युआन अपना इंजर्ड फेस लेकर आता है और कॉन्ग सियाओ से बैंडेज देने का सोचती है, लेकिन एक कलीग जिसका नाम क्विंकिंग है वो पहले ही वहाँ आ जाती है और चेंग युआन को बैंडेज लगाती है, और ये देखकर कॉन्ग सियाओ जेलिस फील करती है। उसके बाद कॉन्ग सियाओ फेंजिंग के ऑफिस में जाती है और ब्लाइंड डेट के बारे में पूछती है। उसे लगता है वो और मिस्टर लूमिंग अब साथ हैं, और फेंजिंग इससे पहले कुछ क्लियर करती वो उसे कॉन्ग्रेचुलेशन बोलकर चली जाती है। योन सॉन्ग फेंजिंग को इग्नोर करता है और जब वो उसके साथ लंच करने के लिए बोलती है तो वो एक्सक्यूज देकर क्लाइंट से मिलने चला जाता है और फेंजिंग सैड हो जाती है। तभी मिस्टर लूमिंग का मैसेज आता है और वो उसे लंच पर इनवाइट करते हैं। वो वहाँ जाती है और मिस्टर लूमिंग उसके रिलेशनशिप के बारे में पूछते हैं। फेंजिंग कह देती है योन सॉन्ग बेटर पर्सन डिजर्व करता है जो उसे सीक्रेट ना रखे। इवनिंग में फेंजिंग योन सॉन्ग के अपार्टमेंट के बाहर उसका वेट करती है और वो काफी लेट आता है और उसे ऊपर इनवाइट करता है। फेंजिंग को उसकी मदर की कही हुई बात याद आती है और वो योन सॉन्ग से कहती है वो उसे सच में लाइक करती है। योन सॉन्ग कहता है वो उसे लाइक करती है लेकिन फिर भी छुपाना चाहती है क्योंकि वो उस पर ट्रस्ट नहीं करती है, उस पर डाउट करती है। फेंजिंग को लगता है उसका डाउटफुल होना नॉर्मल है क्योंकि वो 32 ईयर की है, कोई टीनेजर नहीं जिसे लगता है प्यार के लिए सब कुछ सेक्रीफाइस कर दो और वो हर मुश्किल से जीत लेंगे। योन सॉन्ग और ज्यादा नाराज हो जाता है और कह देता है वो क्या यहाँ उसको लेक्चर सुनाने आई है। तो फेंजिंग को लगता है वो कुछ ज्यादा ही नेगेटिव हो रहा है और बेवजह उसकी बातों को ट्विस्ट कर रहा है। फिर दोनों लड़ने लगते हैं और योन सॉन्ग गुस्से में बोल देता है उसने उसे इग्नोर किया था लेकिन वो फिर भी उसके पीछे घर आ गई और अब वो कहीं और पे भी जा नहीं सकता है। फेंजिंग को ये बात बहुत बुरी लगती है और वो वहाँ से जाने लगती है लेकिन योन सॉन्ग उसे रोक देता है और कहता है वो जब मनाया उसकी लाइफ में आई और जब मनाया चली गई, वो ऐसा क्यों करती है। फेंजिंग कह देती है कल उसे उसका इंटेंसिव सर्टिफिकेट मिल जाएगा और फिर वो आराम से उसे इग्नोर कर सकता है, लेकिन योन सॉन्ग ऐसा नहीं चाहता है, वो उसे इग्नोर करना नहीं चाहता, इसलिए वो फेंजिंग से कहता है वो 3 महीने तक इस रिलेशनशिप को सीक्रेट रखेंगे और अगर उनके बीच सब कुछ ओके रहा तो उन्हें सबको बताना पड़ेगा क्योंकि वो पूरी लाइफ ऐसे नहीं रह सकता है। फेंजिंग शॉक्ड होती है ये जानकर योन सॉन्ग उसके साथ पूरी लाइफ रहने का सोच रहा है।
उसने भी कभी छुपाने का प्लान नहीं बनाया था कि उसका बॉयफ्रेंड है। योनसोंग फेंजिंग को ट्रिक करता है और उसे कहता है वो अपने चेहरे से हाथ हटा ले, वो कुछ नहीं करेगा, और ऐसा करते ही वो उसे किस करता है। फेंजिंग एनॉयड हो जाती है एंड देन ही किसेज हर अगेन। और अब वो पूरी रात चैटिंग करते हैं और फेंजिंग इतना खुश हो जाती है कि वो बेड से नीचे ही गिर जाती है और उसके बैक में फिर से पेन हो जाता है। अगले दिन ऑफिस में फेंजिंग ब्रश करते हुए और अपने बैग पर हाथ रखे हुए आती है और योनसोंग के पूछने पर वो बताती है वो रात में बेड से नीचे गिर गई थी। इस पर वो कहता है उन लोगों को अक्सर ये प्रॉब्लम होती रहती है। योनसोंग सबके सामने उससे फ्लर्टी वॉइस में बोलता है वो मसाज देने में एक्सपर्ट है और उसे एक बार ट्राई करना चाहिए, लेकिन फेंजिंग उसे इशारों में वार्न करती है। तो योनसोंग कहता है उसकी मॉम के साथ भी अक्सर ये होता रहता है, और ये सुनकर उसकी कोवर्कर हंसने लगती है। योनसोंग उसे चुपके से एक नोट और कैंडी देता है और वो अपने कैबिन में चली जाती है। उसकी कोवर्कर मजाक में योनसोंग से कहती है वो मिस फेंजिंग को टीज ना करें, आखिर क्यों उसे इतनी जल्दी मरना है। योनसोंग कहता है मिस फेंजिंग इतनी क्यूट है, वो अपने आप को रोक ही नहीं पाता है। आगे हम देखते हैं नोट पढ़कर फेंजिंग बहुत खुश होती है क्योंकि योनसोंग को ऑरेंज फ्लेवर्ड केस चाहिए। और तभी उसकी कलीग वहाँ आती है और वो फेंजिंग को ब्लश करता हुआ देख कर उसे लगता है उसे फीवर है, और इस पर फेंजिंग चुप रहना बेटर समझती है और उसकी कलीग ऑरेंज कैंडी लेकर चली जाती है और फेंजिंग को अफसोस होता है। मिस्टर लूमिंग और कैमिन में साथ में लंच करते हैं और उन्हें फेंजिंग और योनसोंग का सेपरेटली मैसेज आता है कि वो अब रिलेशनशिप में हैं, और इस वजह से दोनों दुखी हो जाते हैं। और यहाँ मिमिन के फ्रेंड्स खैनियंग को बताते हैं योनसोंग ने उसे रिजेक्ट कर दिया, उसकी वजह से वो काफ़ी सैड है और उसने उसकी क्लास बस इसलिए ज्वाइन की थी ताकि वो योनसोंग के करीब रह सके। मिनमिन डॉर्म रूम में अदर गर्ल्स को उसके बारे में गॉसिप करते हुए सुनती है कि उसको योनसोंग ने डंप कर दिया, और उसकी फ्रेंड जिसका नाम जेनी है वो वहाँ पर आती है और वो उन गॉसिप गर्ल से लड़ना चाहती है, लेकिन मिनमिन उसे ऐसा करने से मना कर देती है। वो जेनी को अपार्टमेंट की दिखाती है जो उसे मिस्टर लूमिंग ने दिया था और रेनोवेशन के बाद उसे वहाँ रहने के लिए इन्वाइट करती है। इवनिंग में फेंजिंग अपने डॉग को घुमाने ले जाने के लिए रेडी होती है, उसके डैड नोटिस करते हैं वो इतना हैवी मेकअप लगाई है। नेक्स्ट डोर पर उसको एक्साइटेड खैनयांग भी मिल जाता है और वो उसे योनसोंग और उसकी गर्लफ्रेंड की फोटो दिखाता है और उसे लगता है ऑफिस में से ही कोई है और वो योनसोंग पर नज़र रखने के लिए बोलता है, लेकिन फेंजिंग मना कर देती है क्योंकि वो किसी कोवर्कर की पर्सनल लाइफ में नहीं घुसना चाहती। खैनयांग कहता है योनसोंग उसका स्टूडेंट है इसलिए वो इतना कर सकती है। फेंजिंग मन में बोलती है वही उसकी गर्लफ्रेंड है और आजकल उसका पूरा ध्यान योनसोंग पर ही है और वो उसका अच्छे से ख्याल रख रही है। सीन चेंज होता है और हम देखते हैं फेंजिंग योनसोंग से मिलती है और उससे उसका फ़ोन मांगती है। योनसोंग उसका फिंगरप्रिंट और आईडी अपने फ़ोन में ऐड कर देता है ताकि जब फेंजिंग का मन हो वो एक्सेस कर सके। फेंजिंग उस फोटो के बारे में पूछती है तो उसे बताता है उसने वो फोटो बस स्कूल ग्रुप में शेयर की थी ताकि लड़कियाँ उसे सिंगल समझ कर कोई होप ना रखें। फेंजिंग को ये भी अच्छा नहीं लगता है, इसलिए योनसोंग ये दोबारा ना करने का प्रॉमिस करता है और उसके बाद वो दोनों डॉग घुमाने ले जाते हैं। दरअसल फेंजिंग इसलिए डर जाती है क्योंकि वो पिक्चर उसके भाई ने देख लिया था और वो गैस कर सकता है वो फेंजिंग का ही हाथ था। आगे हम देखते हैं मिस्टर लूमी अपने दोस्त जिसका नाम स्टीवन है उससे बात करते हैं और स्टीवन कहता है अगर उसके पास टाइम मशीन होता तो वो पास्ट में जाकर अपने बेटे के साथ टाइम स्पेंड करता और उसका ख्याल रखता, लेकिन अब उसका बेटा रिबेलियस बन गया है और उसकी सुनता ही नहीं है और आगे चलकर उसे उसका बिजनेस संभालना है। कॉन्ग से अपनी दोस्त सूली से मिलती है और कहती है वो सैड है मिस्टर लूमी के साथ वो डेट पर नहीं जा पाई। सूली उससे कहती है वो मिस्टर लूमी को झेल नहीं सकती। सूली उसे एक साल का जिम मेंबरशिप भी गिफ्ट करती है और कॉन्ग से बहुत खुश होती है क्योंकि वो पहले से उसमें जाना चाहती थी जो कि हाल ही में खुला है और काफी एक्सपेंसिव है और उसके योगा ट्रेनर इंडिया से हैं। आगे हम देखते हैं फेंजिंग अपने कलीग के साथ लंच करती है और सौ बाई कॉन्ग से को चेयरअप करने के लिए पार्टी रखने का सोचती है और फेंजिंग से कंपनी एक्टिविटी फंड से पे करने के लिए बोलती है, लेकिन फेंजिंग खुद की जेब से पे करने के लिए मान जाती है। और तभी वहाँ योनसोंग आता है और वो उनसे बोलता है कि क्या वो उनके साथ बैठ सकता है। सौबाई कहती है क्योंकि वो हैंडसम है और अगर उसे मिस फेंजिंग से डर नहीं लगता है तो वो बैठ सकता है। योनसोंग का कहना है वो उनके बीच इश्यूज क्रिएट ना करें क्योंकि मिस फेंजिंग उससे नाइसली बिहेव करती हैं। वो सब योनसोंग की प्लेट में लेग पीस देखकर भी जेलस फील करती हैं क्योंकि उन्हें कभी नहीं मिलता है और योनसोंग कहता है उसे हमेशा मिलता है। और योनसोंग वो लेग पीस फेंजिंग की प्लेट में रख देता है और उसके कलीग्स ऑ करती हैं। आगे हम देखते हैं योनसोंग हैनिंग से मिलने कॉलेज जाता है
और कहने उससे उसकी न्यू गर्लफ्रेंड के बारे में पूछता है। इस पर योन सॉन्ग कहता है 3 महीने बाद अगर वो साथ रहते हैं तो वो उससे मिलवाएगा। सो कहने को लगता है योन सॉन्ग बस कैम इमिन को अवॉइड करने के लिए फेक गर्लफ्रेंड का ड्रामा कर रहा है और उसने भी यही किया था। सीन चेंज होता है और खैनेंग फेंजिंग और उसके दोस्त चैट करते हैं और सॉयू बताती है उसने जॉब से रिजाइन कर दिया और अब वो पूरा टाइम अपने बेबी को देगी और सब सॉयू की बेटर फ्यूचर के लिए वेस्ट करते हैं। तभी योन सॉन्ग फेंजिंग को ज्वाइन करता है और उसका सनग्लासेस निकाल लेता है, लेकिन फेंजिंग वापस पहन लेती है और उसे एक रिटर्न एग्रीमेंट देती है जिसके हिसाब से वो पब्लिक में थोड़ा दूरी बनाकर रखेगा और कलीग के सामने अजीब हरकतें नहीं करेगा और सोशल मीडिया पर फोटोज भी नहीं शेयर करेगा। योन सॉन्ग को फेंजिंग का एग्रीमेंट मानना पड़ता है और उसके बाद वो दोनों हॉरर मूवी देखने जाते हैं। फेंजिंग सोचती है योन सॉन्ग के साथ मूवी देखना कितना रोमांटिक है और वो डरने का इमेजिन करती है जिसमें योन सॉन्ग उसको किस करता है और ये सब बातें सोच सोच कर वो ब्लश करने लगती है और फिर वो मन में सोचती है वो हॉरर सीन में जानबूझ के डर जाएगी और फिर योन सॉन्ग उसे, लेकिन मूवी खत्म हो जाती है और ऐसा कुछ नहीं होता है और उसे अफसोस होता है उसने मूवी से पहले एग्रीमेंट की बात क्यों की थी। योन सॉन्ग कहता है प्रोफेसर खैनेंग ने उसे बताया था फेंजिंग को हॉरर मूवी देखना पसंद है और उसे डर नहीं लगता है क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड यूनिक है और फेंजिंग ये सुनकर रिलैक्स हो जाती है। वो जानबूझ कर डरने का नाटक नहीं की। योन सॉन्ग कहता है वो डरने का नाटक कर उसे किस करना चाहता था और उसका हाथ पकड़ना चाहता था, लेकिन कोई नहीं 3 महीने बाद वो जरूर करेगा। वो दोनों एक दूसरे को बाय बोलते हैं और योन सॉन्ग फेंजिंग की तरफ बढ़ता है और उसके शोल्डर पर गिरा हुआ पॉपकॉर्न खाता है और फेंजिंग को लगता है वो उसे किस करने जा रहा था, इसलिए वो अपनी आंखें बंद कर लेती है और योन सॉन्ग उसे कहता है वो पब्लिक में है, उसे क्या लगा था वो क्या करने वाला है, और ऑकवर्ड फेंजिंग प्लस करते हुए चली जाती है। कार में बैठे वो सोचती है पहला प्यार भी कितना अमेजिंग है, ऐसे जैसे कि ठहरे पानी में उड़ती हुई लहरें। आगे हम देखते हैं फेंजिंग किसी काम से मिस्टर लूमिन की हेल्प करने जाती है और उसके बाद वो उसे घर ड्रॉप करते हैं और उसकी आंट उन्हें साथ देख लेती हैं और उन्हें लगता है वो फेंजिंग के बॉयफ्रेंड हैं। और अगली सुबह उसकी आंट मिस्टर लूमिंग और फेंजिंग के बारे में गॉसिप करती हैं और उसकी मदर को बताती हैं फेंजिंग को एक गुड लुकिंग बॉयफ्रेंड मिल गया है और वो उनकी जल्द से शादी करा दें। और उसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।